मंगलवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुए आसाराम को अब फिर से जेल भेज दिया गया है। आसाराम की सभी जांच रिपोर्ट सामान्य पाई गई, जिसके बाद ही गुरुवार को पुलिस ने आसाराम को वापस जेल में भेज दिया। आसाराम की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने के बाद काफी संख्या में लोग जोधपुर पहुंचे। इस दौरान अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ लग गई, जिस कारण अस्पताल परिसर को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। जब आसाराम को वापस जेल ले जाया गया तो उनके समर्थक भी पुलिस वैन के पीछे दौड़ते हुए नजर आए। भारी बल की मौजूदगी में आसाराम को वापस जेल भेजा गया। वहीं जेल के बाहर कुछ लोग आसाराम के चरणों की धूल को अपने सिर पर लगाते हुए भी नजर आए। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एम के आसेरी ने बताया कि आसाराम की सोनोग्राफी जांच में कुछ सूजन सामने आई है। उनके ब्लैडर में इन्फेक्शन पाया गया है। इसके बाद यूरोलॉजिस्ट ने उनकी जांच की, जिसमें कोई गंभीर मसला नजर नहीं आया। दरअसल मंगलवार को आधी रात में आसाराम की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे आसाराम की सेंट्रल जेल से गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मथुरा दास के माथुर अस्पताल रेफर किया गया। आसाराम को सांस लेने और सीने में दर्द की शिकायत थी। आसाराम की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से उनके भक्त जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल पहुंच गए, जहां पुलिस ने पहले ही कड़े इंतजाम किए हुए थे। पूरे अस्पताल परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। अस्पताल से आसाराम को जेल ले जाते समय भी भक्त उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया। पंजाब के सिटी टीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट। अरे देख लेते हैं।